ना हटल तेरा चुपो नहीं चुपो जहाँ तक जे मदद होते सब होते हैं। तो झलके नहीं फोटो इन्हें सामना देखिए क्या बात है। प्रीत परिवार के बीच आप पहुँचे हैं, क्या बात हुआ है, क्या हुआ है? प्रीत हम मुखिया जी और जैसे मैंने सोचा यह घटना जो हुआ है गैस सिलेंडर से, जब कभी होता नहीं है, अचानक आज फटा है, यह जान करके मुझे रात में पता चला। हम अपना राजद परिवार की तरफ से सभी आकर करके इसको जो है संतावना और कुछ मदद और गैस सिलेंडर के एवज में उससे बात करेंगे, अभी उससे मुआवजा दिलवाएंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, यह गलती किसकी है? गलती नहीं होनी चाहिए, एक प्रीत परिवार है, इसको कुछ नहीं है। इसका पति जो है बाहर में रहता है, छोटा सा बच्चा है, रोड रोड करके बुरा हाल है। इसके लिए सरकार को सजग होना चाहिए, सरकार इसका मुआवजा दे, अन्यथा हम लोग इसके प्रति आंदोलनरत रहेंगे। कहाँ पे ये घटना हुई है, कहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, कहाँ पे ये घटना? बखड़ी टोला है, नया टोला है। क्या देखे आप, देखे जो प्रीत परिवार है? देखे पूरा जल करके राख हो चुका है, पूरा कपड़ा पंखा चौकट भोजन भाजन सब समाप्त हो चुका है इसका। अच्छा, तो आप पहुंचते हैं अपने निजी कोष से मदद से, क्या बताइए? यह सरकार से हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम अपना निजी कोष से अपना जो है, जो हमारे प्रति इसके प्रति श्रद्धा है, दया भाव है, उसी के प्रति हम जताने आए हैं। तो चाहिए प्रीत परिवार के बीच निरंतर यह प्रयास जारी रहेगा? निरंतर जारी है, इससे पहले भी जारी है और अभी जारी रहेगा। हम तो समाज कल्याण के लिए, हम मुखिया जी अभी प्रेजेंट में कहाँ से मुखिया हैं? अभी हम फलका प्रखंड में सदा पंचायत के हैं। अच्छा, महेंद्र प्रसाद साहब मेरा नाम हुआ। अच्छा अच्छा, और हम राजद कार्यकर्ता के प्रोत्साहन के लिए सब सम्मिलित होकर के कुछ अपने कोष से देने के लिए भी तैयार हैं और आगे भी करेंगे। सर मेरा परम धर्म है, गैस सिलेंडर से जो आग लगा, क्या आपको लग रहा है, कैसे क्या लगा, कहाँ चूक है? सिलेंडर से तो पूछना चाहिए ना पहले, हम बात करते हैं तुरंत अभी। रंजित इसका किसे लिया है सिलेंडर, चूक बताइए, चूक आखिर क्या आपको लगा? चूक हो सकता है, सिलेंडर का हो सकता है, या इसके हो सकता है, या शिक्षा का कुछ अभाव हो लगाने का, या कहाँ लीक है, या देखते हुए इसको जो सिलेंडर में आग लगाना चाहिए, या निर्देश जो है सिलेंडर विक्रेता जो है, एजेंसी जो है, उसको खुद उस समय से ट्रेनिंग देना चाहिए कि आग कैसे पकड़ता है, नहीं पकड़ता है। शिक्षा का अभाव, अभी बिहार में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, यह जो है विभाग दोषी है, और उसको निर्देश देना चाहिए। एसपी वाले हो या इंडियन वाले हो या भारत गैस एजेंसी हो, सबको एक टेक्नीशियन होना चाहिए कि घर जाकर के अपने से जलावे, और या तो वही निर्देश दे दे जिसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यह अब इसको जो है बाद में फिर सिलेंडर लाने में भी परेशानी होगा, लगाना नहीं चाहेगा, सिलेंडर का बहिष्कार करेगा। मतलब यही आप जागरूक करने के लिए कहते हैं, लोगों को जागरूक कीजिए सिलेंडर देने के बाद। अच्छी चीज है, लेकिन कैसे लगाया जाए इसका जागरूक जो है सरकार का काम है, और सरकार का है नियंत्रण गैस सिलेंडर वाले एजेंसी को, आप किस तरह का दायित्व है आपका, क्या अधिकार कर्तव्य है जो आप उसको एडजस्टिंग कीजिएगा। इसका तो सामंजस्य सरकार और एचपी वाले, ये हिंदुस्तान वाले या भारत वाले, जो गैस एजेंसी है उसकी जवाबदेही होगी। राजद परिवार जिंदाबाद, 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 राजद परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, आप भी पहुंचे हैं सबदा मुखिया जी के साथ में, जैसा इन्होंने बताया कि सबदा के मुखिया, क्या बात है, बकरी टोला में आप लोग सब पहुंच गए हैं प्रीत परिवार को मदद करने के लिए? देखिए, हम लोग समेली प्रखंड से, ये मलहरिया पंचायत के नया बकरी टोला है, और प्रीत परिवार को जिस तरह हम लोगों को घटना की जानकारी हुई, हम लोग इसमें सम्मिलित हुए। क्या जानकारी मिला आपको? जानकारी यही मिला कि सिलेंडर जो है कि फट गया। सिलेंडर फटने से प्रीत परिवार का घर द्वार से लेके, आप समझ सकते हैं, एक घर बनाने में बसाने में कितना मेहनत लगता है, एक एक चीज करके जोड़ा था, और सारा चीज ये प्रीत परिवार का जल चुका है। कहते हैं 2 लाख का नुकसान हो गया मेरा, 2 लाख के हम कहते हैं कि ज्यादा हुआ। हाँ। ज्यादा एक अनुमान लागत है कि मतलब कि 2 लाख हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि किसी को भोजन आज अगर नहीं मिले, क्या समस्या होगा उसके साथ।
अभी जो देख रहे हैं। और जहां तक सवाल रहा मेरा कि सिलेंडर जो एजेंसी होती है उनको समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। आज हर घर में आप सिलेंडर दे दिए हैं लेकिन उसको कैसे जलाया जाए, कैसे रखा जाए, ठीक से रख रखाव किया गया नहीं, इस पर भी सिलेंडर की वजह से आग लगा। और दूसरी सवाल हमको एक बात और मालूम चला कि सिलेंडर जैसे रिसीव किया गया इसके साथ तो उसी समय सिलेंडर में जो है कि गैस रिसाव हो रहा था, ये उनको जब जिस समय दे रहे थे उसी समय उनको देखना चाहिए कि सिलेंडर में, और प्रीत के द्वारा बताया भी गया कि सिलेंडर में रिसाव हो रहा है लेकिन वह जो है कि देकर सिलेंडर चले। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस प्रीत परिवार को, जहां तक हम लोग राजद परिवार से आए हुए हैं, हमारे साथ में सबदा पंचायत के मुखिया जी हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष विनोद बाबू हैं, हमारे साथ में पूरी टीम में चल रहे रामलाल, ये जितने भी सदस्य हैं, हम लोग चाहते हैं कटिहार राजद और समेली राजद की ओर से इस प्रीत परिवार को जितना हो सके हर संभव सरकारी मुआवजा, और आप हम लोगों की तरफ से जो भी होगा हर संभव प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मिथुन कुमार यादव, युवा राजद जिला उपाध्यक्ष कटिहार। क्या बात है सर, आप भी देखते हैं पहुंच गए हैं सबदा मुखिया जी के साथ में, गैस सिलेंडर की सूचना प्राप्त हो गई है, जैसे कल ही घटना हुई है तो तुरंत आज पहुंचे हैं, क्या बात है बताइए। कल हमको 11 बजे लगभग नहीं करीब 2 बजे प्रखंड मुख्यालय में इसकी सूचना मिली जी, और ये मलहरिया पंचायत के बकरी गांव है नया टोला, ये वहां पता चला कि वहां गैस फट गया। दूसरी समय पूछे कि कोई जान माल की क्षति तो नहीं हुई, नहीं जान माल की क्षति नहीं हुई, बरसात काफ़ी हो रहा था उसके चलते हम लोग कल नहीं आ सके, नहीं तो कल ही आते, और आज हम लोग आए हैं। और जो प्रीता है, प्रीता के बयान से स्पष्ट होता है कि इसमें सारा दोषी जो गैस आपूर्ति करने वाला है एजेंसी, उसका दोष है, वह गैस पहले से रिसाव कर रहा था। हम मांग करते हैं कि प्रशासन से या अंचल कार्यालय से भी चाहेंगे कि इनको जो अंचल से जो मिलना चाहिए जल्द मिले, प्राप्त हो आपदा के तहत, और दूसरा कि गैस कंपनी इसको पूर्ण मुआवजा दे, नहीं तो गैस एजेंसी के ऊपर आवश्यक कार्रवाई स्थानीय प्रशासन के द्वारा हो, ये हम लोगों का। चलिए चलिए अपना परिचय बताइए। कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष समेली। जी हम आए हैं यहाँ पर, खोल लो चलिए, नहीं मान लो आपका सब आदमी है, तो बकरी में जो कल घटना हुआ गैस सिलेंडर का, तो सबको कह रहा है कि गैस एजेंसी से ही लीकेज दिया गया था सिलेंडर, और आपका ड्राइवर अजय कुमार दिया था, ये लोग सब मिल करके आपको दोषी बता रहा है, इसमें क्या सत्यता है? ये एक्चुअली मैं गैस जो मेरा ड्राइवर था जी, जो है उसके एसी पे लगा करके दिया, अच्छा रुकिए रुकिए, हाँ उसको चेक करके दिया, वो रेगुलेटर अपने से लगाइए, रेगुलेटर लगाने में। अच्छा एक एक बात है, या तो आपके पास टेक्नीशियन होना चाहिए, टेक्नीशियन की कमी है, और या तो सरकार का प्रक्रिया है कैसे आप देते हैं उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, और इसमें इसके लिए प्रीत परिवार को अभी आप कुछ क्या दे रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं? हम लोग तो यही कर सकते हैं, कारण है कि अगर कोई डेथ अगर वो अगर होता ठीक है जी, उन्हें क्या करना है, ये जितना भी अगर क्लेम होता है एक दिन का ठीक है, एक दिन का कंपनी 90 लाख का रखा उसमें डिवाइड कर देता है जितने जगह जितना क्लेम हुआ ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ डेथ है नहीं ठीक है। हम लोग अपनी ओर से यही कर सकते हैं कि उसको जो कनेक्शन था हम सिलेंडर रेगुलेटर ठीक है पाइप और गैस के साथ उसको हम इतना हम दे सकते हैं अपनी ओर से, यानी अपनी ओर से दे सकते हैं, कंपनी नहीं देगी इसकी मुआवजा, कंपनी कंपनी। अच्छा इसका इंश्योरेंस डेथ करने के बाद ही वैलिड है यही ना? जी हाँ जी हाँ। और उससे अगर कुछ नुकसान हाथ पैर या घर द्वार का 2 लाख का क्षति हुआ है तो इसमें कुछ कर सकती है कंपनी? नहीं कंपनी कुछ नहीं करेगी। क्या बॉन्डेज किया हुआ है? जी जी बिल्कुल। तो हम लोग जो आए हैं हम लोग अपने कोष से भी दे रहे हैं, तो आप अपने कोष से, हमको लगता है कि अभिलंब आप जो भी है पहले सहयोग कीजिए, पहले वो जितना है गैस सिलेंडर पाइप और जो भी है कनेक्शन दे दीजिए, उसके बाद आर्थिक मदद आप दे सकते हैं, ये तो आपकी बल यथि है, कानून प्रक्रिया नहीं है कुछ जाकर के, अभी मानवता के नाते दीजिए ना भाई, मानवता के नाते आज पहले सहयोग कीजिए, वैसे हम भी आकर के कुछ सहयोग किए हैं, इसलिए आप भी कीजिए, आज ही कर दीजिए, कर रहे हैं से 1-2 घंटे में करवा दीजिए। अच्छा करीब ठीक ठीक। क्या बात है बताइए, कैसे क्या घटना हुआ बताइए? गैस मंग जैसे लगाइए ना मुंडा, मुंडा लगाए थे तो भी मुंडा का चाबी वो नहीं खोले थे, ऐसे जब ऐसे सलाह बाड़े ना हम खा रहे थे बस गैसे में आगिन लग गया। अच्छा आगिन लग लिया, भूतार खूब कोशिश कर लिए, मतलब गैस नहीं भूत लिया,
तो कौन दोषी है, कौन किसको दोष दे रहे? बोलना चलिए गैस तरह माँ गई चुन में कल के हमरा गरीर गैस माँ गई चाहिए गैस ना माँ गई जाओ बाबू है चुप हो कहते काजी तो क्यों ले रहा है उस समय तो नहीं क्यों ले तो नहीं छोड़ी भागी लो बहुत कोशिश करके सब बे को निकाले लेकिन भूताल में मतलब कोई नहीं भूता बन सकते अच्छा की जरी कपड़ा बाबू की छाती रंग तो सब सामान छाती बोले कुछ जो नहीं निकल ले या कोई को सामान नहीं निकल ले जब घर से कागज पत्तर सब जरी के ले कपड़ा लता सब जरी के ले मैं पूजा करल सामान यानी घर में रखे चलिए मैं घर में पूजा करके खबर नहीं बनाने दे हाँ क्या क्या नुकसान कितना नुकसान हुआ लगभग 2 लाख का सामान चला गया 2 लाख क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं सबको मेरा इंसाफ कीजिए और क्या चाहेंगे क्या नाम है लुतन देवी घर बकरी क्या बात है बताइए कैसे क्या घटना हुआ बताइए गैस मंग जैसे लगाइए ना मुंडा लगाए थे तो मुंडा का चाबी नहीं खोले थे ऐसे जब ऐसे सलाह बाड़े ना हम खा रहे थे बस गैस में आगिन लग गया अच्छा आगिन लग गया ना भूतार खूब कोशिश कर लिया मतलब गैस नहीं भूत लिया हमारा तो कौन दोषी है कौन किसको दोष दे रहे बोलना चलिए गैस तरह माँ गई चुन में कल के हमारा गरीर गैस माँ गई चाहिए गैस ना माँ गई जाओ बाबू है चुप हो कहते काजी तो क्यों ले रहा है उस समय तो नहीं क्यों ले तो नहीं छोड़ी भागी लो बहुत कोशिश करके सब को निकाले लेकिन भूताल में मतलब कोई नहीं भूता बन सकते अच्छा की जरी कपड़ा बाबू की छाती रंग तरह सब सामान छाती बोले कुछ जो नहीं निकल ले या कोई को सामान नहीं निकल ले जब घर से कागज पत्तर सब जरी के ले कपड़ा लता सब जरी के ले मैं पूजा करल सामान यानी घर में रखे चलिए मैं घर में पूजा करके खबर नहीं बनाने दे इसीलिए नहीं बना हां जी क्या क्या नुकसान कितना नुकसान लगभग 2 लाख का सामान चला गया 2 लाख क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं सबको मेरा इंसाफ कीजिए और क्या चाहेंगे क्या नाम है लुतन देवी घर घर बकरी